अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके जेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग किस्म के मैं बिल्कुल न्यू फिट मेहंदी के डिज़ाइन लेकर आई हूँ, और आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे क्योंकि बहुत ही अलग डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सारे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन थे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब डिज़ाइन अच्छे से अच्छे देखने को मिल सके। और मेरी वीडियो को शेयर लाजम कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो देख के तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन फीड मेहंदी के, या फिर अगर आपको और कोई भी डिज़ाइन चाहिए तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैंने मेहंदी के हैंड मेहंदी के भी डिज़ाइन बहुत सारे दिए हुए थे फिंगर्स पे मेहंदी के, तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। तो ये फीट पे मेहंदी के डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इसको ब्राइड्स भी लगा सकती हैं, जिन ब्राइड्स को बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगाना पसंद, मतलब लगवाना पसंद है, जिनको ज़्यादा हैवी मेहंदी नहीं अच्छी लगती उनके लिए भी ये डिज़ाइन है ख़ास तौर पे। तो अगर वैसे भी ब्राइड्स के लिए नहीं है स्पेशली, ये हर एक लड़की के लिए है, जो भी इसको लगवाना चाहे लगवा सकती है। कुछ लोगों को तो वैसे ही फीट से ऊपर मेहंदी का बहुत शौक होता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल डिज़ाइन, थोड़ा सा भी शक लगाया हो तो वो अच्छा लगता है उनको। तो ये डिज़ाइन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस किस्म का डिज़ाइन लगवाना है या लगाना है खुद से। ये देखिए, ये कितनी सिंपल सी बेल है और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, प्लेन सा। तो फ्रेंड्स, मेहंदी लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने सीखनी हो तो आपको चाहिए कि आप पेपर के ऊपर कोई सा भी पेपर लेके उसके ऊपर आप पहले टिक्की बनाने से स्टार्ट करें। टिक्की से स्टार्ट करते हैं सब लोग, डॉट्स वगैरह डालते रहें एवं से डिज़ाइन पहले शुरू में आप बनाते रहें, तो वो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते करते तो मेहंदी लगानी आ जाती है। तो पैसे बेशक हमारे पास होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं तो हम स्टिचिंग भी बाहर से करवा लेंगे, मेहंदी भी बाहर से लगवा लेंगे, मेकअप भी पार्लर से करवा लेंगे। तो वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो इंसान के हाथ में हर हुनर होना चाहिए ताकि वो जब भी इसको ज़रूरत पड़े तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन हैं। तो अगर आपको मेहंदी लगानी आ जाए तो आप खुद ही से ये डिज़ाइन देख के तो लगा सकते हैं। आपको किसी फंक्शन वगैरह पे किसी के मुँह नहीं देखना पड़ता कि उससे लगवा लें उससे लगवा लें, कभी किसी के पास टाइम होता है कभी नहीं होता, फिर हमारा दिल करता भी हो लेकिन हम लगवा नहीं सकते मेहंदी, तो इसलिए हमें खुद ही आनी चाहिए ताकि हम लगा लें। और ये तो बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन है, ये हर बंदा लगा सकता है, तो बस उसका हाथ एक बार खुलना चाहिए। तो हाथ खोलने के लिए आपको करना चाहिए कि आप पेपर के ऊपर डिज़ाइनिंग करते रहें थोड़ी थोड़ी देख देख के। सेम वैसा डिज़ाइन तो आपसे शुरू में नहीं बनेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपका वैसा ही डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ खुद ही इसे किया करें हर काम, ताकि आपको किसी की मोहताजी ना हो। तो ये देखिए, ये कितना प्यारा सा डिज़ाइन है, ये मतलब बिल्कुल सिंपल मैं लेके आई हूँ आपके लिए, हैवी मेहंदी नहीं लाई, तो हैवी मेहंदी के भी मैं आपके फीट से लिए डिज़ाइन लेकर आऊँगी। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, तो ये तकरीबन 30 मेहंदी के डिज़ाइन हैं डिफरेंट। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप मुझे कमेंट में लाजम बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर किया करें, यह आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और मुझे हौसला अफजाई होती है। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए फिर अपलोड करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे दुआओं में याद रखिया कीजिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।